नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्राइम टाइम के आपके पसंदीदा शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नया दिन, नई शुरुआत। देश और दुनिया की हर अहम खबर जानने के लिए अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। खबरें रफ्तार से होंगी तो विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए आपको बुलेटिन में शामिल खबरों की कुछ झलकियां दिखाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कंगना के विवादित बयान पर क्या कहती हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से आपको अनीता बोस की एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया दिखाएंगे। क्या दमघोटू हवा पर दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन, बड़ा सवाल। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मोदी, योगी के बाद अब अखिलेश की बारी, आज निकालेंगे विजय यात्रा। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आधे घंटे बाद यानी सुबह के 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान से। 1947 में मिली आजादी को भीख बताने वाली कंगना ने कल इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन पर न सिर्फ सवाल उठाया गया बल्कि मजाक भी उड़ाया गया। कंगना के मुताबिक चांटा खाने पर दूसरा गाल बढ़ाने से आजादी नहीं भीख मिलती है। पहले देश की आजादी पर सवाल, फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सवाल, आजादी के नायकों पर कंगना का नया हमला। 15 अगस्त 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताने वाली पद्मश्री से विभूषित अभिनेत्री कंगना रनौत के निशाने पर इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ गए हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सत्ता का भूखा और चालाक तक कह दिया। कंगना ने लोगों से कहा है कि अपने नायकों का चुनाव समझदारी से करें। अपनी शानदार अदाकारी से करोड़ों सीने प्रेमियों का प्यार और सम्मान बटोरने वाली कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है, जिसका शीर्षक है गांधी और अन्य नेता नेताजी को सौंपने पर राजी हो गए थे। इस क्लिपिंग के साथ कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक, आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। उन्होंने आगे लिखा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। यकीनन ये बयान हैरानी भरा है। बापू के जिन सिद्धांतों और विचारों को पीएम मोदी नमन करते हैं, नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक, अल्बर्ट आइंस्टीन से आंग सान सू की तक, जिनके दर्शन की मुरीद रही, उन्हीं खूबसूरत विचारों को कंगना ने अपने हमले से तार तार कर दिया। कंगना ने पोस्ट में आगे लिखा है, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया, ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो, इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। इतिहास का ज्ञान शायद इतना काफी नहीं था। कंगना ने एक अन्य पोस्ट में आजादी के नायकों को निशाना बनाते हुए लिखा, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी उन्हें उन लोगों ने अपने आकाओं को सौंप दिया जिनमें साहस नहीं था, अपने दमनकारियों से लड़ने के लिए जिनके खून में उबाल नहीं था, वो सत्ता के भूखे और धूर्त थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई चांटा मारे तो एक और चांटे के लिए दूसरा गाल बढ़ा दो और इस तरह आपको आजादी मिलेगी। इस तरह किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक का चुनाव समझदारी से करें। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी, देश को असली आजादी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना के इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, पुतले फूंके गए, थाने में केस हुए और उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की गई। लेकिन कंगना न सिर्फ अपने इतिहास ज्ञान पर अड़ी रहीं, बल्कि ताजा पोस्ट लिखकर नया मोर्चा खोल दिया। बापू की निंदा करते वक्त शायद कंगना ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जिस नेताजी का नाम लेकर वो बापू पर हमला बोल रही हैं, उनके मन में खुद बापू के प्रति अगाध श्रद्धा थी। आज तक ब्यूरो।
कंगना रनौत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ बापू के मतभेदों की आड़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तीखे प्रहार किए हैं। आज तक ने इस पर सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस से बात की। आइए आपको दिखाते हैं कंगना के बयान पर अनीता बोस ने क्या कहा। I don't know of any such event, but I think it is rather moot now to discuss the question of whether one or the other freedom fighter did more for independence. I think that all the freedom fighters and the millions of people who participated in the struggle for independence, who were quite unknown, generally speaking, contributed to India's independence. It's not a question of one having done, having been the only father of independence. And we are certainly in a situation to say today that the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature, in so far that on the one hand, Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi, and throughout his struggle for independence, always paid attention to whether he reacted to anything that he, being my father, did and what his reaction was. For example, he always wanted to know whether there was a reaction to his speeches from Germany or to his independence struggle started from the Far East. So this whole argument about there having been enemies is a very one-sided way of looking at it. On the one hand, they were comrades in arms, so to say, fighting for the same goal. And on the other hand, they did not agree entirely on how to do that. And particularly Mahatma Gandhi and my father were of a different opinion, and Pandit Nehru in many ways was sort of hedging. इससे पहले कंगना ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 को देश को भीख में आजादी मिली थी। असली आजादी केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 में मिली। इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है। नीतीश ने कहा कि ऐसी बातों पर चर्चा ही बेकार है, कुछ लोगों की ऐसा बोलने की आदत होती है। हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कर सके। इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है? ये कोई इम्पोर्टेंस है? इस सब चीज का कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है, तो कोई मतलब है? उन चीजों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है, कोई कहेगा कि आजादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। हम सच पूछिए, हम नोटिस ही नहीं लेते। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की, जो आज रोड शो करने वाले हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश विजय यात्रा निकालने वाले हैं। कल ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने के लिए अखिलेश यादव कल ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ दौड़ाना चाहते थे, लेकिन उद्घाटन न होने की वजह से जिला प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर आसमान पर वायुसेना का शौर्य दिखा। अब बारी है अखिलेश यादव की। एक्सप्रेस वे वही होगी, बस तारीख अलग होगी और अंदाज अलग होगा। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर समाजवादी रथ निकालेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। रथ वाला पथ कैसा होगा, इसका अंदाजा आप अखिलेश यादव के ट्वीट से लगा सकते हैं। तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया। बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे।
छह सेकंड के इसी वीडियो से अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा और सियासी दांव चल दिया। सबको पता है कि पूर्वांचल की ताकत यूपी में सत्ता दिलाने वाली ताकत है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर वो दावा ठोंक रहे हैं कि ये उनका प्लान था। ऐसे में उद्घाटन से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिचम खिचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। भले ही चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। पूर्वांचल के सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी हैं। आज अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपना दम दिखाएंगे। पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। दरअसल अखिलेश यादव 16 नवंबर को ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर रथ दौड़ाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के वर्कर पुष्प वर्षा करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। अब अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। गाजीपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा होनी है और इस पर और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी गाजीपुर से सीधा जुड़ गए अभिषेक मिश्रा, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कल तो इजाजत नहीं मिली, लेकिन जब आज मौका मिला है तो तैयारियां किस तरह? देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर एयर स्ट्रिप पे जो शानदार यहाँ पर ट्रायल हुआ था उसको देखा था, लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी एक्सप्रेसवे, जिसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं उनकी सौगात है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त वहीं जगह पे, ये एयर स्ट्रिप का इलाका है। आप देखेंगे ठीक सामने पंडाल लगा हुआ है जहाँ कल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। यहाँ से उन्होंने 341 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेसवे की शुरुआत की, तो उसके ठीक सामने आपको दिखाई देगा वो जनसभा का पंडाल है जहां उसके ठीक सामने अखिलेश यादव आज हुंकार भरेंगे। रथ यात्रा की शुरुआत गाजीपुर से होनी है और वो 9 जिलों को से होती हुई लखनऊ तक खत्म होगी और इस एयर स्ट्रिप के सामने ही उनकी एक बड़ी जनसभा होनी है। यानी कि साफ तौर पर वो इस बात को एक बार फिर से दोहराएंगे उसी जगह से, उसी जमीन से जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने इस शानदार एयर शो को देखा था और इसके साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया था। अखिलेश यादव लगातार तल्ख तेवर के साथ बयान जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन आज जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वो जमीन पर उतरेंगे, ये रथ गाजीपुर से शुरू होगा जहां पखनपुरवा में एक जनसभा होगी। इसके बाद शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में फैले प्रदूषण की क्या जहरीली हवा से निजात पाने के लिए दिल्ली में अब लॉकडाउन लगेगा? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राज्यों के साथ कल बैठक की है और मिनी लॉकडाउन की सिफारिश की है। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। राज्यों को बताना होगा कि वो प्रदूषण से पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर भर गया है, जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है। दिवाली के बाद से दिल्ली वालों ने साफ आसमान नहीं देखा। हालात इतने भयावह हैं कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दिल्ली और आसपास के स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दे दिया। मतलब कोरोना के बाद एक प्रदूषण के कारण स्कूलों को फिर से ऑनलाइन होना पड़ेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की आपात बैठक में NCR वाले राज्यों को कहा गया कि वो आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजें। प्राइवेट दफ्तरों से भी 21 नवंबर तक ऐसा करने को कहा गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी सर्विस को छोड़कर सभी ट्रकों पर दिल्ली में आने पर रोक लगेगी। दिल्ली और NCR वाले राज्यों में निर्माण कार्यों पर भी 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। इससे रेल, मेट्रो, डिफेंस,
और एयरपोर्ट में होने वाले कंस्ट्रक्शन को अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की बैठक हुई। कमीशन के अध्यक्ष एमएम कुट्टी की अगुवाई में हुई बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। बैठक में जिस बातों पर सहमति बनी है उसे लेकर ही राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में पराली पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% बताया था। इसके बाद दिल्ली और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई थी। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजिया नूं ते अपना काम सारी जन। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह दे नाल केजरीवाल जिहड़ा उस सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्सपोज हो गया ते नलायक साबित होया। मैं कह सकदा कि 4% पोल्यूशन वाले नूं बदनाम करी जाणा ते जिहड़ी 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफर का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा खराब है। कल भी AQI 403 रहा जो बेहद ही खराब है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और अहम खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक मत्था टेकने की आस रखने वाले सिख श्रद्धालुओं की आज से एक बड़ी मांग पूरी हो रही है। करतारपुर कॉरिडोर को आज से दोबारा खोल दिया गया है। करतारपुर कॉरिडोर कोविड की वजह से तकरीबन 1.5 साल तक बंद रहा, लेकिन अब कोविड के हालात में सुधार के बाद कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला हुआ है। अमृतसर और अम्बाला से श्रद्धालुओं का एक जत्था करतारपुर के लिए रवाना हुआ है और ये तस्वीरें उसी जत्थे की हैं। ये जत्था अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। जत्था वहाँ पर 10 दिन रुकेगा। वहाँ पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, पंजा साहिब, डेरा साहिब, करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा और 10 दिन बाद 28 तारीख को वापस आएगा। ये जत्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भेजा गया है। पाकिस्तान जिन्हें अपने गुरु नानक देव जी संबंधित स्थान हैं सारे स्थानों जा रहे हैं जी। कितनी खुशी है संगत जी? बहुत ज्यादा उत्साह है जी, बड़ी मुश्किल नाल वीजा मिलता है। बड़ी उन्होंने कृपा की थी है, कुछ इन्होंने सरकार ने कुछ श्रोमणी कमेटी का बड़ा वड्डा उपराला जिन्होंने इन्नी अपने सिर उत्ते भार लाया कि इन्नी दुनिया नूं आपां नूं भेजना उत्थे ते गुरु महाराज के चरणों में जाना। खुशियां जी, साडा तां मक्का जी दुआरा जन्म होगा, आप पहली बार जा रहे हैं, साडा तां दुआरा जन्म होना उत्थे जी। बहुत खुशियां जी, बहुत ही खुशियां, लखां लोगों की आस्था सी उहदे नाल जुड़े हुए ने। यह धन्नभाग दोहां देशां दा, दोहां सरकारां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा रक्षा खुल्लिया है, बहुत बहुत धन्नवाद। पर अज वाहिगुरु ने साडे ते मेहर कीती है ना, सानू उत्थे बुलाया, इस लई साडे च खुशी है। पर जदों सारी संगत लई खुलदा तां उह दुगणी जिहड़ी खुशी सी उह दोण सवाई होणी सी। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने खुल गई शिक्षकों के तबादले के नाम पर भ्रष्टाचार की पोल। मुख्यमंत्री ने बड़ी मासूमियत के साथ टीचरों से पूछा, सुना है तबादले में कई बार पैसा खिलाना पड़ता है, आप बताइए ऐसा क्या है? जवाब सुनकर मुख्यमंत्री हैरान रह गए, अपने शिक्षा मंत्री को घूरने लगे। इसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है, पैसे बढ़ते हैं क्या कमाल है। जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम जहां शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक प्रश्न ने पैसे बढ़ते हैं क्या उनकी सरकार में चल रहे ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार को बेपर्दा कर दिया। मौका था राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का, जिसमें राज्य के स्कूलों में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान अपने संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टीचरों का हौसला बढ़ा रहे थे। आप तो जानते ही हैं स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, स्कूलों में टीचर जाए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही बात
ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल की आएगी तो शिक्षकों का मिलने वाला जवाब उन्हें हक्का बक्का कर देगा। उसमें कमी नहीं रखेंगे, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो घर देते ही है, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, स्कूल में टीचर जाए, ट्रांसफर पॉलिसी की बात भी आपने करी थी, वो बहुत गंभीर विषय है, उसके लिए आप कोई सुझाव दीजिए मंत्री जी को कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बन रहा है किसी का हार बननी नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि जिसकी जो चल गई है मेरे साथ में आरोपी साथ में दिल्ली जी के पैसे गिराने पड़ते हैं। इसके बाद गहलोत ने वो पूछ लिया जिसके बदले में उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उम्मीद उन्हें सपने में भी नहीं होगी। सुनते हैं ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं, पता नहीं आप बताओगे कि सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है, पैसे गिराने पड़ते हैं क्या कमाल है। शिक्षकों के जवाब से मुख्यमंत्री लाजवाब हो गए, उनका चेहरा देखने लायक था। कुछ देर के लिए वो निशब्द हो गए, अपने मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री डोटासरा की ओर कुछ देर घूरा और अपनी जेब मिटाते हुए आगे कहा, तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर पैसे देकर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन रहा है जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं, मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल बाद आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेंगे लगेंगे, मुझे 3 साल लगेंगे तो 1 साल लगेगा, सबको मालूम रहे ना पैसे चलेंगे और ना MLA साहब को आप तंग करोगे। अचानक हुए इस वाक्य के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री के जाने के बाद पोडियम पर आए और सफाई दी। बात छेड़ी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहाँ पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं ना कहीं जेब कट जाती है वो मेरे नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। शिक्षा मंत्री अपने सफाई में चाहे जो कहें, मुख्यमंत्री चाहे जो दावा करें, लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, इसी को बेनकाब करती एक रिपोर्ट सितंबर महीने में दस्तक कार्यक्रम में हमने दिखाई थी। खाक हो जाता है जनता का सरकारी ईमानदारी पर विश्वास भी, जब पता चले कि राजस्थान में जिन रिश्वतखोरों को एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ता है उन्हें फिर आरोपों के मुताबिक सरकार ही बचाने लगती है। राजस्थान में इसी साल जनवरी से अगस्त तक 201 केस में 325 भ्रष्टाचारी पकड़े गए, कलेक्टर से लेकर SP तक गिरफ्तार हुए और 8 महीने में 1.5 करोड़ की घूसखोरी पकड़ी गई। एक तो NOC के नाम से बहुत सारी रिश्वत की मांग की जाती है किसी भी विभाग में, दूसरा जो कई संगठित रूप से रिश्वत मांगते हैं जैसे एक मंथली के रूप में और एक कट के रूप में, तीसरा जो समस्या निराकरण से संबंधित विभाग है तो लोगों की बड़ी समस्या होती है उसके निराकरण के लिए वो लंबे समय तक चक्कर लगाते रहते हैं, तो अपने समस्या के समाधान जल्दी कराने के लिए अपने प्रकरण को जल्दी सलटाने के लिए अपने प्रकरण की जल्दी समाधान करने के लिए रिश्वत देते हैं लोग। दावा है कि राजस्थान में जन्म और विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए 600 रुपए की घूस देनी पड़ रही है, शिक्षा विभाग के इंटरव्यू में प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के नाम पर 48 लाख की घूस मांगी गई। सबसे ज्यादा घूसखोर 75 पुलिस वाले पकड़े गए, 29 लाख का भ्रष्टाचार इन्होंने अपनी अंटी में दबा लिया था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने गाँव में काम के बदले 28 लाख की रिश्वत केवल NOC देने के बदले मांगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े 26 लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने ICU में बेड देने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर देने तक के नाम पर 23 लाख की घूसखोरी की। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो तो अपना काम करता है लेकिन भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के आरोप लगते हैं। दावा है कि भ्रष्ट अधिकारी पर केस की इजाजत जल्दी नहीं मिलती। ये हाल तब है जब राज्य का गृह और एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग सीधे अशोक गहलोत के पास है जिनके एक मासूम सवाल ने उनकी सरकार में चल रहे इस भ्रष्टाचार के खेल को सबके सामने ला दिया। तो
शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो मुख्यमंत्री के सामने कुछ इस तरह से पोल खुली। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई से सामना करना तो पड़ता ही है।